तो साथियों, मैं अब भी कहता हूँ आपसे कि इनके झूठे आडंबरों में, इनके झूठे त्योहारों में, इनके झूठे सहयोग में और इनके झूठे दिखावे में कुछ नहीं रखा है। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन मौर्य, आप देख रहे हैं जनता आवाज। साथियों, आज जो मैं खबर आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल आपको झकझोर देने वाली है। जिस प्रकार से मैंने देखा कि जो कट्टर अम्बेडकरवादी और मिशनरी बनते फिरते हैं, उन लोगों के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बधाई के संदेश ते दनादन सामने आते गए। मैं उन मिशनरी अम्बेडकरवादियों से इतना पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप हकीकत में हिंदू हो? मुझे लगता है तुम में से अधिकतर लोग यही कहते होंगे, हाँ हम हिंदू हैं। लेकिन साथियों, ये बात हमारे समझाने से आपको भले ही समझ में ना आए, लेकिन संगियों की भाषा में ही मैं आपको बताऊंगा संगियों ने क्या कहा। संगियों ने खुद साबित कर दिया है कि तुम हिंदू नहीं हो, तो फिर क्यों ये फालतू की पोप लीला ढोंग लीला में पड़े हुए हैं? जिस दिन आप तमाम होली के रंग में अपनी खुशियां जाहिर कर रहे थे, एक दूसरे पर रंग लगा रहे थे, शराब पीकर गलियों में नंगा नाच कर रहे थे, उसी दिन देश भर में खास करके दलितों को झकझोर देने वाले मामले सामने आए। सबसे पहला मामला राजस्थान के पाली से आता है, जिसमें एक दलित युवक को इतनी बेरहमी से कत्लेआम कर दिया जाता है बीच सड़क पर, वो भी धोखे से, और उसका कारण केवल उसकी मूछ। सोचिए, जिस समाज को घोड़ी पर बैठने नहीं देते, मूछों को रखने नहीं देते, और वो समाज पाखंड, अंधविश्वास और हिंदू धर्म के आडंबरों में इतनी हद तक जकड़ा हुआ है कि उसका खामियाजा उसके ही समाज, दलित समाज को अपनी जान गंवा कर देना पड़ रहा है। दूसरा मामला राजस्थान के ही धौलपुर का है, जिसमें एक गरीब किसान भी नहीं कहेंगे, खेतों में मजदूरी करने वाली महिला का रेप उसके ही बच्चों के सामने किया जाता है, उसके पति की पिटाई की जाती है, और ये मनुवादी सोच की मीडिया दलितों को डराने का काम करती है। और तमाम मीडिया रिपोर्ट क्या चला रही मालूम है, को उसके पति को मारा पीटा गया तो वो भाग गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, यानी कि योगी के राम राज्य में, होली के ही दिन एक दलित युवक की हत्या कर दी जाती है। पूरे देश भर से तमाम ऐसी खबरें आती हैं जो दलितों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। साथियों, आपको बता दूं, राजस्थान के पाली में जिस दलित युवक जितेंद्र मेघवाल की हत्या की गई है, उसके हत्यारों के समर्थन में उनके समाज के नेता कार्यकर्ता आ गए हैं, आरएसएस की विचारधारा के लोग आ गए हैं कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया, अगर ऐसा किया है तो हमें अपने समाज के हत्यारों का साथ देना चाहिए। सोचिए, वो किस तरह से कह रहे हैं कि सभी हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि वो तुम्हें हिंदू नहीं समझते हैं। तुम्हारी समझ में कब आएगी, तुम कब तक इनके आडंबरों में फंसे रहोगे, सोचिए। और बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि आप इनके मंदिरों में जाओ या त्यौहार मनाओ। बाबा साहब ने स्पष्ट अपनी 22 प्रतिज्ञा में कहा कि मैं इनके किसी भी देवी देवता और आडंबर को नहीं मानूंगा। फिर तुम कैसे अम्बेडकरवादी हो, कैसे मिशनरी हो? पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, जिसमें आरएसएस के लोग और हत्यारे जो इस केस में हैं उसके समाज के लोग कैसे हत्यारे के समर्थन में अपनी बात रखकर हिंदू समाज को एक करने की बात कर रहे हैं। समाज हर बार इन एसकेसी एक्ट में फंसा जा रहा है, और इसके लिए हम समाज हिंदुओं को पूरे जोर शोर से एक होकर समाज की एकता का परिचय पूरे समाज में निकल रहे हैं। पाली विधानसभा में जितने भी राजपूत हैं, उन राजपूत समाज को पूरा एक जोर करके, राजपूत समाज का कोई भी युवा कैंडिडेट खड़ा करके उन्हें एक तरफा वोट दिला के समाज का एहसास कराएंगे। तो वो मेरे हिसाब से तो मतलब गलत है कि नहीं करना चाहिए। हो सकता था और मामला थोड़ा मारपीट करके भी पटा देते थे, लेकिन अगर कर दिया है तो मैं उनके सपोर्ट में हूँ। हम उसके सपोर्ट में हैं और बिल्कुल पूरे पूरे सपोर्ट में। आप सब सपोर्ट में रहो ना रहो, वो आपकी मर्जी है। इन संगी लोगों को कहते हुए भी शर्म नहीं आ रही है कि SC ST एक्ट के झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं।
क्या हत्या करने से भी बड़ा कोई इस दुनिया में जुर्म है? एक दलित की सरेआम हत्या कर दी जाती है, उसके बावजूद भी ये संकीर्ण विचारधारा के लोग कहते हैं कि ये झूठे एससी एसटी के मुकदमे दर्ज कराते हैं। अगर ये एससी एसटी एक्ट नहीं होता तो ऐसी घटनाएं कितनी अधिक आती। और दूसरी घटना साथी मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद के विजयनगर थाने के अंतर्गत, पुराने विजयनगर की है, जिसमें विजय जाटव को होली के दिन सरेआम ईंट पत्थरों से उसके घर पर हमला किया जाता है और उसकी जान ले ली जाती है। राजस्थान के धौलपुर में गरीब महिला को, कामकारी महिला को, जो खेतों में मजदूरी का काम करती थी, उस गरीब महिला को उसकी पति और बच्चों के सामने ये घृणा कार्य किया। हालांकि इस घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी राजस्थान ने प्रत्येक ज़िले में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। 23 मार्च को प्रत्येक ज़िले में धरना प्रदर्शन किया जाएगा व कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। सुनिए ये वाइट। गोद गोद कर हत्या कर दी गई। इससे पहले भी नागौर के डीडवाना में एक दलित नौजवान का कत्ल कर दिया गया, लेकिन सरकार इन सभी मामलों में लेकर, विशेष रूप से दलित अत्याचार के मामलों को लेकर संवेदनहीन बनी हुई है। और यही कारण है कि लगातार जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार, बच्चियों के साथ बलात्कार राजस्थान प्रदेश में बढ़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि आने वाली 23 मार्च को प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर जिला कलेक्टरों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। पहले पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जिला कलेक्टर पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे, फिर जिला कलेक्टर के नाम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। ये बहुजन समाज पार्टी ने निर्णय लिया है। तो साथियों, मैं अब भी कहता हूँ आपसे कि इनके झूठे आडंबरों में, इनके झूठे त्योहारों में, इनके झूठे सहयोग में और इनके झूठे दिखावे में कुछ नहीं रखा है। साथियों, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। वक्त के रहते आप समझ जाइए, इन तमाम आडंबरों को छोड़ दीजिए और बाबा साहब द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए। मंदिरों में कुछ नहीं रखा, उनकी जगह पर अच्छे स्कूल में एडमिशन कराइए। कम खा लीजिए, कम पहन लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए। और शिक्षित होने का मतलब साथी यहाँ बिल्कुल नहीं है कि केवल किताबी ज्ञान, शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा, यह बात भी हमें समझना ज़रूरी है कि किन बातों से हमारा हित है और कौन सी बातों से हमारा अहित है। आज भी हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो नौकरी तो आरक्षण की वजह से पा लेते हैं और घंटा मंदिरों में चढ़ाने जाते हैं, कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से हमें नौकरी मिल गई। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा से तुम नौकरी तो क्या, किसी प्राइवेट संस्थान में झाड़ू की भी नौकरी नहीं देने वाला है तुम्हें कोई। साथियों, मैं कोशिश करूंगा जो धौलपुर की घटना है, महिला के साथ जो ज्यादती की है, उसकी मैं ग्राउंड रिपोर्ट में धौलपुर के लिए जाऊँगा और आपको ग्राउंड स्तर से रिपोर्ट दिखाऊंगा। एक और बात बता दूं साथियों, ये जो जातिवादी मनवादी मीडिया है, वो किस तरह से इन तमाम एससी एसटी के साथ में घटना करने वाले हत्यारों, अपराधियों को क्या नाम देती है? दबंगों ने बलात्कार किया, दबंगों ने हत्या की, दबंगों से मैं ये कहता हूँ, ये दबंग नहीं है, नंबर एक डरपोक है, नंबर एक कायर हैं, क्योंकि ये बार सिर्फ पीछे से करना जाते हैं। इनकी औकात नहीं है कि आमने सामने से ये लड़ाई लड़ सकें। बलात्कार करना, दुष्कर्म करना, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। ये काम तो सड़क छाप हर एक मवाली कर सकता है। हम बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, बाबा साहब के संविधान पर चलने वाले लोग हैं, इसलिए हम कानून को हाथ में नहीं लेते हैं। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करके अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। ये जनित आवाज़ आम जनता की आवाज़ को उठाने का काम करता है। और आप भी अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दो शब्द अपनी अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दो शब्द ज़रूर बोलें और दलित अत्याचार के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को मजबूत करना जारी रखें। तभी इस देश में हम जी पाएंगे, क्योंकि इस देश में अब मुझे तो लगता है कि रामराज स्थापित हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर केवल बीजेपी को कोसने से काम नहीं चल रहा है, ये कांग्रेस के राज्य में, राजस्थान में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार है, उसके राज्य में ये घटना होती है, तो इसे साबित होता है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और होंगे भी क्यों नहीं, आज से जो 20 साल पहले कांग्रेस में जो नेता थे, आज सारे के सारे बीजेपी में। बीजेपी की जब सत्ता जाती है, कांग्रेस की सत्ता आती है, तो ये दोगले लोग बीजेपी को छोड़ के
कांग्रेस में आ जाते हैं, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, क्योंकि जिसकी बात का ही नहीं पता तो मैं तो कहूँगा उनके बाप का भी नहीं पता, और जिसके बाप का नहीं पता उनकी कही हुई बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, उनके पाखंडों को नहीं मानना चाहिए, उनके त्योहारों को नहीं मानना चाहिए। अभी के लिए साथियों इतना ही, नमस्कार।